ताज नगरी आगरा में आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पर हवन कर व विचार खोष्ठी कर मनाया और सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और मीडिया के द्वारा उपचुनाव के सवाल पर पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने बताया कि मैनपुरी और रामपुर दोनों ही सीट सपा की थी और सपा की ही रहेगी और दोनों ही सीटों पर भारी बहुमत से सपा जीत दर्ज कराएगी। देखिए आज पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी का जो आज जन्मदिवस है, हम पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग माननीय नेताजी ने सुशील वंचित को हर समाज की राय लड़ने का काम किया। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज सभी लोगों ने आज हवन करने के साथ संकल्प लिया है कि जो माननीय नेताजी के जो बताई हुए रास्ते पर उस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलने का काम करेगा और निश्चित ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम। जो गढ़ है समाजवादी पार्टी की, वहाँ समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को किस तरह बचाएगी? जैसा कि भाजपा तमाम दावे दे रही है, विकास के दावे दे रही है, तो आप लोग किस तरह उस गढ़ को बचाने का काम? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर हैं। आप आगरा को देख लीजिए, आगरा को उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया। मैं आपके माध्यम से पूछना बताना चाहता हूँ कि आगरा में कहीं गड्ढा मुक्त हुआ? हर जगह गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे आपको और डेली इनके इश्तेहार बड़े बड़े बैनरों पर दिखाई देता है कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ही शातिर तरीके से झूठ बोलते हैं इनके नेता और हम आपको विश्वास भरोसा दिलाते हैं ये कोई भी काम जमीन पर इनका धरातल में नहीं है। आने वाला समय है ये समाजवादी पार्टी का समय है और पूरी जनता जान चुकी है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश प्रदेश को धोखा देने का काम किया। और रही बात मैनपुरी चुनाव की, मैनपुरी चुनाव तो माननीय नेताजी की वहीं से कर्मस्थल ही रहा है और मैनपुरी चुनाव तो माननीय डिंपल यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और इनका जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ फाइट है ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव सीधा सीधा एक तरफा हो रहा है, माननीय डिंपल यादव भी भारी बहुमत से विजय होने जा रही है और यही नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि माननीय डिंपल यादव भी बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीत कर जाएंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।